वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी गेट बंद कर विश्वविद्यालय शटडाउन पिन डाउन का नारा दिया। आज हम तालाबंदी करके विश्वविद्यालय में पूरा शटडाउन कर रहे हैं, पिन डाउन कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग दीजिए, ये लड़ाई आपकी है, हमारी है, हमारे आने वाले भाइयों बहनों की है। सभी गेटों को बंद करके तालाबंदी कर दिया गया है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को आज विश्वविद्यालय में नहीं घुसने दिया जाएगा जब तक ये फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाती है। हालांकि बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल आया जिसने गेट खुलवाए। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प भी हुई। जैसे कि पहले से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज इन्होंने यहाँ पे गेट पे जो ताला लगा दिया था और जिससे बाहर से जो विद्यार्थी क्लास के लिए आ रहे थे उनको इश्यू हो रहा था, वो बाहर ही रह गए थे, तो फोर्स की मदद से आके यहाँ पे ताला खुलवाया गया और अभी इनका प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन ताला खुल गया है और बच्चे जो क्लासेज के लिए जा रहे थे वो चले गए हैं। आज के आंदोलन की खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में वुमेन्स हॉस्टल के साथ डेलीगेसी के छात्राओं ने फीस वृद्धि को लेकर विरोध मार्च निकाला। ना डिस्पेंसरी, ना विजिटिंग हॉल, ना लाइब्रेरी, किस चीज की 45,000? किस चीज का पैसा दे हम? ना एजुकेशन, आप कंपेयर करती है बीएचयू से, और भी चीजें बहुत सी कंपेयर करने लायक है, वो तो कंपेयर नहीं की, आप ये कंपेयर कर रही है बीएचयू से, फीस वृद्धि वापस लो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फीस वृद्धि के आंदोलन का समर्थन अब इलाहाबाद से बाहर निकलकर वाराणसी और दूसरे जिलों तक भी पहुंचने लगा है। वाराणसी के विद्यापीठ में छात्रों ने फीस वृद्धि के समर्थन में भिक्षाटन करके आंदोलन को समर्थन दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र आमने सामने हैं। साफ है कि इस जीत से एक तरफ जहां विश्वविद्यालय का माहौल खराब हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए एकेडमिक सत्र के साथ पठन पाठन पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में बेहतर होता कि विश्वविद्यालय प्रशासन बातचीत का रास्ता तलाशता। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।